हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चेतन गुरु चैनल पर। और आज का जो ये वीडियो है पार्ट टू एडसेंस अकाउंट अप्रूवल के लिए, कि एडसेंस अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो हम पहले जो वीडियो हमने आप देखा होगा कि पेजेस कैसे बनाना है, पेजेस क्या होता है और ये वेबसाइट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा नेविगेशन किया है, तो उसके बारे में मैंने पार्ट वन में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं। आपकी वेबसाइट के एडसेंस अप्रूव करवाने के लिए ये बहुत ही रिक्वायरमेंट रहता है कि एडसेंस का गूगल के थ्रू जो आपको पूरा करना होता है, तभी आपका गूगल अकाउंट अप्रूव होता है। तो चलिए पार्ट टू में हम जानते हैं कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एडसेंस अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए, तो शुरू करते हैं। तो एडसेंस इस पार्ट टू में मैं आपको मेन पता होना चाहिए कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं उसमें डिजाइन करता है, उसमें टॉप मेनू और फुटर मेनू, ये दो मेनू ऐसे हैं जिनको सेट करना होता है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो हमें लगता नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, इनका एडसेंस अकाउंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इनका बहुत सारा असर एडसेंस अकाउंट पर पड़ता है, क्योंकि गूगल आपकी साइट को पूरा, आपके डिज़ाइन को, वेबसाइट के डिज़ाइन को, सबको रिव्यू करता है और उसके बाद में आपको एडसेंस अकाउंट अप्रूव करवाता है। तो चलिए जानते हैं कि टॉप मेनू और फुटर मेनू में आपको किस तरह से ऐड करना है और क्या क्या ऐड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है, एक वेबसाइट का एग्जाम्पल, जो वेबसाइट है उसका एक एग्जाम्पल लिया है। तो आपको टॉप मेनू में क्या क्या रखना है, टॉप मेनू में आपको सबसे पहले होम पेज रखना है, जो आपका ऊपर जो मेन मेनू रहेगा उसमें। उसके बाद दूसरा एक कैटेगरी का रहेगा जो टॉप मेनू में, उसे आप पेज भी बना सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब का एक पेज बना सकते हैं। फिर उसमें कैटेगरीज बनानी है आपको, जिसको नेविगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसे पता चलना चाहिए कि उसके उससे रिलेटेड और क्या क्या है यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा इसकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे और क्या क्या ऐसी जानकारी है जो उसको यूज़र को मिलेगी। तो इसलिए नेविगेशन पेजेस बनाने बहुत ज़रूरी है, और गूगल ऐसी वेबसाइट को जल्दी अप्रूव करता है क्योंकि यूज़र का एंगेजमेंट वहाँ बढ़ता है, वहाँ पर ज़्यादा एंगेज रहता है, तो उससे गूगल आपको ट्रैफिक ज़्यादा, आपका ट्रैफिक और बढ़ता रहेगा और गूगल को भी अर्निंग होती है और आपको भी अर्निंग होती है। तो इसलिए गूगल एडसेंस ऐसी वेबसाइट को ही जल्दी अप्रूव करता है जिसमें सब कैटेगरीज हो, नेविगेशन अच्छे से सेट हो, अच्छे से डिजाइन किया हो, टॉप मेनू अच्छे से हो, फुटर मेनू में अच्छे से बराबर उसका प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सब कुछ अच्छे से सेट किया होना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पेज वन आपने बना दिया, उसके बाद सब कैटेगरी बना दी, जैसे मैंने इसमें बताया है, जैसे रेलवे जॉब्स का एक सब कैटेगरी बनाया है, उसमें बाद में सब कैटेगरी टू बनाया है उसमें आर्मी जॉब्स, फिर जो मेन कैटे वापस मेन मेनू में वापस एक कैटेगरी ऐड कर सकते हैं टू, जिसमें एग्ज़ाम रिजल्ट से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद में एक कैटेगरी और बना के उसमें आप जीके रिलेटेड उसमें पोस्ट अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे कैटेगरीज बनानी है टॉप मेनू में, और आप जो जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये टॉप मेनू में भी रख सकते हैं। इसका इतना ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कहाँ रखना है, फुटर में रखना है या टॉप मेनू रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरी राय यही है कि आप फुटर मेनू में हमेशा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब डिटेल, प्राइवेसी पॉलिसी हुआ, डिस्क्लेमर हुआ, डीएमसीए पॉलिसी हुआ, ये सब आपको फुटर में रखना चाहिए। बाकी ये ऑप्शनल है और ये आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन है, आपके वेबसाइट किस तरह की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये मेनूज़ का बहुत बड़ा रोल होता है एडसेंस अप्रूवल के लिए, और उसके लिए एक बहुत ही रिक्वायरमेंट है ये, तो ये आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बहुत आपका हर छोटी छोटी किसी भी रीज़न पे आपका एडसेंस अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इस तरह से मेनू को फॉलो करें और टॉप मेनू और फुटर मेनू को अच्छे से बनाएं, उनको अच्छे से सेट करें, और फुटर मेनू ऑप्शनल है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फुटर मेनू बनाना है, लेकिन आप फुटर मेनू बनाना चाहिए। उसमें फुटर मेनू में आपको डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स कंडीशंस, ये तो आपको नीचे रखना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का आप टॉप मेनू में भी दे सकते हैं। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है आपका, उसका पार्ट थ्री में आप देख सकते हैं, तो उसका लिंक आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं और इससे आपका अकाउंट 100% अप्रूव हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आपका एडसेंस अकाउंट जल्दी से अप्रूव हो जाएगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।